प्यार दिए। मैं एक घंटे के लिए ही मुंबई आया हूँ, चूँकि अयोध्या में हमारी ड्यूटी वहाँ लगी है, हर मंदिर को हम लोगों को साफ करना है, होना है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत से कहा है कि अपने यहाँ के मंदिर को साफ करें, आप उसको सफाई करें, दीपक जलाएं, क्योंकि पवित्र होता है। राक्षस भागते हैं, रावण भागेगा, रावण की मृत्यु होगी। अपने जीवन के राक्षसों को भगाना है तो राम के नाम का दीपक आप जरूर जलाएं। ये गाना जो है जो राम मंदिर है, मुझे जहाँ तक खबर आई, कुछ मेरे दोस्त विरोधी पक्ष में भी हैं, और राजनीतिक गलियारा बहुत छोटा है, वहाँ कोई छींक भी मारता है तो पता चल जाता है। तो हमको जो खबर आ रही है कि वो लोग रात में जो लोग नहीं जा रहे हैं या न्योता जो अस्वीकार कर दिए, वो उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और वो बिलबिला के अपने बिस्तर से गिर भी रहे हैं। कुछ लोग अपना सर दीवार में भी मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु राम ने उनको 30-40 साल के लिए वनवास भेज दिया है। अब उनकी राजनीति का वनवास सारे विपक्षियों का 30-40 साल तक है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जैसे प्रभु राम 14 साल के लिए गए थे, प्रभु राम ने इन सारे लोगों को, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास को इतना विराट किया है, राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। अब कर्म से, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार मुक्ति राजनीति होती है, सच्चाई जो काम दिख रहा है इस देश का। मेरा देश क्या था, मेरा देश आज क्या बन रहा है, आज सम्मान मिल रहा है। तो आज ये सारे विपक्षी बहुत छाती पीट पीट के रो रहे हैं, और मैं तो चाहूँगा कि प्रभु राम सद्बुद्धि दे। अभी भी कोई चिंता नहीं है, 22 तारीख को आ सकते हैं, मंदिर सबके लिए खुला है, लेकिन 22 तारीख को कुछ 8,000 लोग आएंगे, क्योंकि बहुत लोड हो जाएगा। 22 के बाद आए, लेकिन जब भी आओगे जीवित मोक्ष पाओगे, और जो ये दृश्य देखेगा 22 को, वो सबको जीवित मोक्ष की प्राप्ति हो। सर, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं जो है राम मंदिर को इवेंट जो है अरे आने के तौर पे किया जा रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अरे नहीं, ये इन क्या एक ही तो पूछ रहे हैं। प्रभु, पहली बात तो बता दूं आप सब लोग, इस मंदिर में एक रुपया भी भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का, राज्य सरकार का, योगी सरकार का नहीं लगा है। पूरा पैसा, एक एक पाई इस मंदिर में, जो भव्य मंदिर है, विराट है, वो पूरे भारत के राम भक्तों ने, आस्था में विश्वास करने वालों ने, विश्व के राम भक्तों ने, सनातनी विचारधारा के लोगों ने दिया है। ये चंदे से बना है, ये पार्टी का एक रुपया नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें विपक्षी, ये गलतफहमी फैलाना बंद करें। ये मंदिर राम भक्तों ने बनाया है, उनके चंदे से बना है, मेरा भी चंदा गया है, सबका चंदा गया है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये सारी धारणाओं को ध्वस्त करें। 22 को विश्व का सबसे बड़ा उत्सव, हाथ जोड़कर निवेदन है, उस दिन आस्था का दीपक अपने राम के नाम पे सब लोग घर जलाना, पूजा करना, रामायण सुनना, राम पाठ सुनना, आसपास के मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना। ये दृश्य कभी, और उस दिन धरती ज्वलित होगी, ऊर्जावान होगी, पेड़ पौधे चमकेंगे। आप देखिए ना 22 को क्या होने वाला। रवि सर, महक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस भव्य उत्सव के बारे में, इस गाने के बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रवि जी, एंड बहुत खुशी है कि आज हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और राम जी के आगमन पे इतनी खुशी हो रही है हम लोगों को, और आप सब देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और पूरे भारत के हर इंसान के लिए थैंक यू जो मेहनत कर रहे हैं, और आपकी म्यूजिक कंपनी को बहुत शुभकामनाएं। आपने आवाज भी दी, और इतनी एनर्जी के साथ में जो एक्ट आपने किया है ना, वो सारी बताओ। मेरा जहाज है, मुझे फिर जाना है। सर, एक सवाल, सर एक सवाल, लास्ट सवाल, सर कब से वेट कर रहे हैं आपका? नहीं नहीं, अब अच्छा, हनुमान देखिए चल गए नई फिल्म में, मेरी महादेव का गोरखपुर आ रही है, वो टीजर को पूज्य महाराज जी योगी जी ने देखा, लॉन्च किया,
तो वो फिल्म को बड़ा सराहना मिली, पांच भाषा में, पहली भोजपुरी फिल्म है जो पांच भाषा में पैन इंडिया आ रही है, वो देखिएगा, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, देश उसको बड़ा प्यार दे रहा है उस ट्रेलर को, तो ऐसा आप वो समय आ गया है, हम लोग कैसे पेश करते हैं अपने भगवानों को, वो बहुत जरूरी है, गलत ना पेश करें बस ये। गिर जाएगा, रुक जाओ सर, एक मिनट भैया, एक मिनट, बहुत देर से रुक लो ये लोग, आप पहले बोलिए, उसके बाद इनको इधर आने दीजिए, आप बीच में, हाँ बीच में, हाँ सबसे पहले तो रवि जी आए और उन्हें जल्दी में था तो निकल ही गए, और ये हमारे गाने के सिंगर हैं माधव राजपूत, बहुत अच्छी आवाज दी है, कंपोजिंग और डायरेक्शन इन्होंने किया है, और ये हमारे प्रोड्यूसर हैं और जिन्होंने गाने को प्रोड्यूस किया है, थैंक यू सो मच सब लोग, इतना अच्छा बब गाना बनाया है, विशाल जी हमारे को प्रोड्यूसर हैं, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी खुशी हो रही है कि शब्द नहीं है बयान करने के लिए, थैंक यू सो मच। निरंजन जी आप क्या कहना चाहेंगे, रवि जी इतना भव्य गाना लॉन्च करना है ना प्रोड्यूसर, कितनी बड़ी बात है। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे, और नहीं जी का भी अथक प्रयास रहा, मैं तो बना करके हट गया था, उसके बाद का बागडोर महावीर संभाला है, जो कैप्टन हमारी कैप्टन रही, और आज का प्रोग्राम आपके सामने है, रवि जी ने अपना पूरा सहयोग दिया, माधव जी ने भी दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, हमारी पूरी टीम काफी मेहनत की, हमने दो दिन में गाना बनाया, दो दिन में ही शूटिंग किया था, हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी पूरी टीम के लिए कि इसको जल्द से जल्द खत्म करना है, रवि जी के पास भी टाइम नहीं था, फिर भी उन्होंने इस गाने को देख करके उन्होंने अपना पूरा समय दिया, पूरा योगदान दिया, और उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये गाना बहुत पसंद आएगा, अयोध्या के श्रीराम, और मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से बधाइयां देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और विशेष रूप से महक जी का, म्यूजिक बॉक्स का, श्री मॉन्स एंटरटेनमेंट मेरी कंपनी है, म्यूजिक बॉक्स के साथ टाइप करके हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि राम के नाम पे खाद, इसीलिए मैं सोचा अकेला से बढ़िया है कि कारवां लेके साथ चले, और इतनी बड़ी महफिल और इतना बड़ा कारवा बना, आज मुझे दिल से प्रसन्नता भी हो रही है कि हमने एक अच्छा काम किया है, प्रोग्राम के चरणों में हमारी छोटी सी एक भेंट है, अयोध्या जाके तो नहीं कर पाए, बट यहाँ से श्री राम का हम ध्यान करते हुए एक बार बोलते हैं जय श्री राम, और आप लोग से आदर करता हूँ कि आप लोग भी बोले हमारे साथ जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा थोड़ी होता है, सबसे पहले मैं पूरे टीम को, जितने भी हमारे इस गाने में क्रू हैं, और सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, इवन स्क्वाड बॉय टू प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड एवरीवन, क्योंकि एक के मेहनत से काम पूरा नहीं होता, मैंने दिन रात मेहनत करी है, लेकिन ये क्रेडिट उसको भी आता है जिसने इसमें चाय तक पिलाया है, अगर वो चाय टाइम से नहीं पिला शायद ये शूटिंग नहीं हो पाती, तो मैं उन सबको क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इसमें बहुत तन मन धन से मेहनत किया, और रवि जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और रैपिंग करी उन्होंने अपनी आवाज में, और जिन्होंने लिखा है, सबसे बड़ी बात जो चीज़ें लिखा गया है, ये किष्किंधा कांड और कौन कौन कहाँ से था, अयोध्या कांड से लिया गया, बहुत सारे जगहों से कुछ कुछ ये लिरिक्स उठाया गया, और वो सारा दारोमदार एक राइटर पे प्रेशर था कि 24 घंटे के अंदर लिरिक्स को बनाना है, चार घंटे में ये लिरिक्स तैयार किया गया, और उसको तैयार करके इतने बड़े पैमाने पर बनाया, जिनका नाम मीनाक्षी जी है, वो हमारे बीच अभी अवेलेबल नहीं है, और वो किसी कारण बस आउट ऑफ मुंबई, लेकिन बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने, वो राइटर हैं हमारे बीच में, और हमने अपना प्रयास किया, बहुत अच्छा किया, और थैंक यू महक जी को, महक जी ने इतना बड़ा जो कैप्टन का जिम्मेदारी दिया गया था उन्होंने बखूबी निभाया, इनको थैंक यू सो मच, और हम इनके साथ आगे भी काम करना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा इनके साथ हमसे मतलब एक रिलेशन ऐसा वाला परिवार वाला फीलिंग आ रहा है, थैंक यू महक जी को, और थैंक यू निरंजन सिन्हा जी को जो इसके प्रोड्यूसर हैं, थैंक यू हमारे विशाल जी को,
जो इनके को प्रोड्यूसर हैं, थैंक यू उन सबको जिनका नाम मुझे दिमाग में नहीं है और मेरे मुंह पे नहीं है, जो लोग भी देखेंगे इनको, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। विशाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस भव्य गाने के बारे में, इतना बड़ा गाना लॉन्च किया गया आज, और सबसे पहले टीम एफर्ट एंड डेफिनेटली गुड वर्क डन बाय महक मैडम, डेफिनेटली वेल अरेंजमेंट, वेरी गुड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, एंड एज फार एज दिस production is concerned, definitely he has said so many things about the production. It was very short time, very short span, a lot of a pressure was there, and on those pressures it has come up excellent. When I said excellent, means every person involved in the group has given tremendous, has done tremendous job. Their performance was excellent, their presentation was excellent, and that is the reason this song has come up one of the best songs. Thank you so much to everyone. एक बात और बताना चाहूंगा, महक जी से मिलना भी एक इत्तेफाक था, श्री राम की मर्जी थी कि हम अचानक मिले, और ये वो भी बहुत कम समय में, वो प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता रहा कि समय नहीं मिला हमें। थैंक यू सो मच। गाना रिलीज हो गया है YouTube पे, म्यूजिक बॉक्स पे, गाना दे के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दें अपना। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एक फोटो कर लेते हैं, फोटो ले।